और भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने चलते देश का बंटवारा किया, उनकी गलती के चलते बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने घुटने टेक दिए, जिसके चलते बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ, रेलों में भरकर शव भारत लाए गए। और इस यात्रा के दौरान कई गंभीर प्रश्न, चूंकि विभाजन विभीषिका को लेकर सवाल किया गया था, विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा के दौरान गंभीर आरोप लगाए। उनका यह कहना कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए, इसलिए ये विभीषिका हुई। कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा ने मंजूर किया और कोई इस बात को छुपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ये झूठ बोल करके तो बड़े पैमाने पर हुआ नरसंहार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, यात्रा, तिरंगा यात्रा के मौके पर विभाजन विभीषिका दिवस जो बीजेपी मना रही है, इस विषय को लेकर कई गंभीर प्रश्न मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उठाए हैं, जो इतिहास के पन्नों को अब पलटने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई ये हुजूर विधानसभा क्षेत्र में, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार जो है वो विभाजन दिवस भी मना रही है। देखिए अलग अलग कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं, चाहे वह पुराने भोपाल में के इलाके में सांसद के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने की बात हो या खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एक स्कूल में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने के लिए यहां पहुंचे। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से झूठ बोला था भारत की जनता से और कहा था कि भारत का विभाजन नहीं होगा, लेकिन विभाजन भी हुआ और एक बड़ा नरसंहार भी हुआ। छोटे छोटे बच्चों के शवों को यहाँ पर भालों पर टांग दिया गया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रेल की रेल जो है सब भरकर भारत पहुंचे थे, इतना बड़ा नरसंहार भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल, और इस इतिहास को लेकर विभाजन विभीषिका दिवस भारतीय जनता पार्टी मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत स्वागत है राजपाल सिसोदिया जी आपका। मिथुन अरिवार जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मिथुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भारतीय जनता पार्टी मिथुन जी एक विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री का वो बयान भी आपने सुना होगा जिसमें वो कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के घुटने टेकने के चलते बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ। देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को विप्लव देव का विकल्प मोहन यादव जी के रूप में मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ते लिखते नहीं है, इन्हें इतिहास की जानकारी, इतिहास भी भारतीय जनता पार्टी महादा के बारे में पढ़ना चाहिए, विधायक डाउदर सावरकर के बारे में पढ़ना चाहिए, जिन्ना की मजाक पर जाकर लालकृष्ण आडवाणी ने घुटने टेक के माथा टेका था, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। इतिहास हैं और मैं इतिहास को पढ़ने देना चाहते हैं, इसलिए आरएसएस की किताबें मध्य प्रदेश के स्कूलों में डालने जा रहे हैं ताकि जनता को कभी इतिहास पता न चले। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आज पाकिस्तान का जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस को ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, दुनिया भर के आयोजन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को अपने इतिहास के कार्य पर। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को हम लोग इंडिया का जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो रिवॉल्यूशन था उसकी किताब भेंट करने जा रहे हैं और आरएसएस के लोग जो 1925 में बन गया था, जिसका एक भी इतिहास कोई स्वतंत्रता सेवा संग्राम जो इनके पास नहीं है,
उसको लेकर के भी इनको जवाब देना चाहिए। इससे आरएसएस की क्या भूमिका था उस समय, आरएसएस ने क्यों इस बात का विरोध नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा से जो फूट करके निकली है उस समय इसका समर्थन क्यों कर रही थी, जिन्ना की मजार पर मर गएगा, और जनता को आरएसएस की किताबें हटा करके असल इतिहास पढ़ाइए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का इतिहास पढ़ाइए। और मोहन यादव को सब लोग पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है शिक्षा मंत्री होकर के उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। अभी तक तो कांग्रेसियों का ही लिखा हुआ इतिहास सब पढ़ते आए हैं। राज्यपाल जी से भी बात करते हैं। राज्यपाल जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन जी, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इतिहास पढ़ना चाहिए, बीजेपी के लोग पढ़ते लिखते नहीं है। देखिए, अखंड भारत का स्वरूप बहुत व्यापक था। 14 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर देश का विभाजन, धर्म आधारित भारत का विभाजन, मानवीय इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन की हालत पैदा करने वाला दिन था वो। भारत विभाजन में सबसे ज्यादा पंजाब और बंगाल अविभाजित ये प्रभावित हुए थे, और उस दौरान लगभग 10 करोड़ लोगों का सामान्य जीवन एक ही रात में कठिनाइयों में भर गया था। धर्म के आधार पर बंटवारे के तत्काल बाद में देश के अंदर खूनी खेल शुरू हो गया था। लाखों की संख्या में हिंदू और सिख मारे गए थे। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ में सामूहिक आत्महत्या करने का काम हुआ। कई लोगों को तो पुरुष रिश्तेदारों ने महिलाओं को ये सोच के मार दिया कि उनके साथ बलात्कार से उनको बचा लें। सदियों तक वो जो विषय का है, जो बंटवारे की वो याद है, इस देश को काली यादें हैं। वो बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से नरसंहार की घटनाएं हुई, हमारे उनके पूर्वजों के घर उजाड़ दिए गए, कोई जिंदा बच ना पाया, रेल की रेल भरी हुई जो है मार दिए गए लोगों को, महिलाओं के साथ बलात्कार होने का काम हुआ, उनका धर्मांतरण होने का काम हुआ, और इस बंटवारे में मुस्लिम लीग के द्वारा जो अपराध किया गया था वो अपराध अक्षम्य अपराध है, और तत्कालीन देश के जो कर्णधार थे उन्होंने इसको स्वीकार करके जो पाप किया वह महापाप है, और उसकी विभीषिका की आज जो है बरसी है। और ऐसे काले दिन को याद करते हुए बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, और हालांकि कांग्रेस का इस पर विरोध है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।